खालिक है, रब है, उसकी रबूबियत का, उसकी मलकियत का तकाजा यह है कि अल्लाह ताला से बंदा ऐसी मोहब्बत करे कि उसके मुकाबले में किसी की मोहब्बत दिल में ना हो। अमलन भी, ज़हन भी, पुशीदा भी, हर लिहाज से इस चीज का बंदे से इजहार हो कि वो अपने रब से, अपने खालिक से ऐसी मोहब्बत करता है कि उसके मुकाबले में उसके दिल के अंदर भी कोई ख्याल नहीं ऐसा कि वो किसी और से मोहब्बत करे। ये एक हमारा काम भी है और हमारा ये एक अजीम मकसद भी है इस दुनिया में आने का कि हम इस दुनिया में रहें तो इस तरीके से रहें कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे पर ग़ालिब रहे और जब इस दुनिया से जाएं तो इसी हालत में जाएं कि ईमान के साथ इंसान के दिल के अंदर पूरी मोहब्बत अल्लाह की मौजूद हो। लेकिन देखा जाए तो बहुत कम लोग जो हैं इस हाल में हैं। छोटी छोटी बात में हम अल्लाह की मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं। फिक्र तो आखिरत को होना चाहिए। सिर्फ तीन सवाल हैं आखिरत के, देखने में बहुत आसान है, बहुत ही आसान, लेकिन हल उसका जो होगा सवालों का वो होगा इसी पर अगर इंसान के दिल में मोहब्बत होगी। इन तीन सवालों को जो कब्र में अल्लाह ताला पूछेंगे वही शख्स सही जवाब दे सकेगा जिसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होगी। ये देख लें, जिसमें मोहब्बत नहीं होगी अल्लाह ताला की तो दुनिया में नजर आ जाता है कि उसके अल्लाह की इताअत और अहकामात के मुताबिक उसकी जिंदगी नहीं होती। और जब इस दुनिया से चला गया इस हालत के अंदर तो हकीकत में इंसान नाकाम है, वो नाकाम इंसान है। मेरे भाई, इस बारे में सोचना तो चाहिए इंसान को।
मरना तो है सबने, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को जो बनाया वो इसी तरीके से कि उसमें इतनी दिलचस्पी और रौनक अल्लाह ने रख दी कि हम अपने दिलों में इस दुनिया को बसा बैठे। कहना आसान है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, ये भी आसान है कहना मेरा रब अल्लाह है, लेकिन जब अमलन वाक़ात होते हैं इंसान के साथ तो फेल हो जाता है। पहली चीज़ तो यह है कि इंसान अपना तजिया करता रहे कि मैं झूठा हूँ या सच्चा हूँ, वाकई मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ या नहीं। ज़रूर तजिया करना चाहिए इसका, झूठा इंसान जो होगा वो बहुत नाकाम इंसान होगा, याद रखिए। और तजिए का एक ही तरीका है बड़ा आसान, कि जब अल्लाह का हुक्म आ रहा हो तो उस हुक्म पर इंसान अगर कायम है और कर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है, और अल्लाह का हुक्म आ रहा हो उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ें हैं पाशी, कितनी दिलचस्प हों, कितनी भरौनक हों, कितनी कीमती हों, और वह उस वक्त उसी वक्त उनको कुर्बान कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इंसान है। ये तो तजिए का तरीका है। बाकी एक चीज़ ये है कि इंसान में कमी तो है, असाद दुनिया के चलते हैं, दुनिया में हम रहते हैं, उस टेक्शन इंसान में आ जाती हैं, तो उसका इलाज करे आदमी, उससे क्यों कब तकरार करता है। बड़ी सीधी बात तो ये है कि तजिया हम करते हैं उसमें हम कमज़ोरी नज़र आती है, ना भी नज़र आए तो फिर इंसान उसको पूरा करे जो उस इंसान में चीज़ मौजूद नहीं है। अगर हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है जो होनी चाहिए तो फिर उसको पूरा करे आदमी, उसको हासिल करे। बस सिर्फ इतनी सी बात है, जब इंसान किसी पास अल्लाह वाले के पास जाता है और बैत की दरख्वास्त करता है तो मकसद उसका यही होता है, और सबक जो अल्लाह वाले देते हैं अपने मुरीद को सबक भी यही देते हैं कि भाई तुम्हारी कामयाबी इसी में है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत बढ़ाओ। है तो सही इंसान में, लेकिन बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जिसकी कोई हद ही ना हो। तो यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है। बड़ा वाज़ा असूल है इसका, एक आसान दुनिया के हिसाब से भी, कि अगर दिल में इंसान की किसी की अज़मत और मोहब्बत कम हो तो अज़मत और मोहब्बत वाले ऐसे काम करें जिससे उसकी अज़मत और मोहब्बत आ जाए। बड़ा आसान असूल है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी, बेचारे गुनाहों में डूबे थे, फिस करते थे, गुनाह करते थे, अल्लाह ने उनको ये तौफीक दी, ये बात समझ आएगी अपने शेख की, और समझा कि वो काम करो जिससे अल्लाह की अज़मत और मोहब्बत तुम्हारे सीने भर जाए, अमल भी नज़र आने लगे और ज़हर भी नज़र आने लगे। तो जब उन्होंने वो काम अख्तियार किए तो अल्लाह के फजल से उन्हें मोहब्बत आना शुरू हो गया। इंसान की मोहब्बत में है। तो आप अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो वो काम इंसान करे जिससे अल्लाह की अजमत और मोहब्बत आ जाए, बजाय ये रोता रहे जी मुझे मोहब्बत नहीं है, मैं क्या करूँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह की मोहब्बत के बगैर अल्लाह के हुक्म का हर काम मुश्किल होता है इंसान के लिए, याद रखें हर काम मुश्किल हो, और जब मोहब्बत आ जाती है तो हर काम आसान हो जाता है, आसान होकर फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। इतना
मजा आने लगता है अल्लाह के हुक्म पे, इंसान पूछते हैं अल्लाह का हुक्म है, बस फिर खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कहा तो ठीक, बस उसके सामने दलील आ जाती है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, बस खत्म। इसमें क्या, इसके बाद तो दूसरा हुक्म तो यही है कि इसके बाद में कुर्बानी दुआ दें, नफ्स की कुर्बानी देनी पड़े, किसी की कुर्बानी देनी पड़े, हुक्म तो यह अल्लाह ताला कहता है कि मेरी मोहब्बत जो है हर चीज़ से गालिब हो, माँ बाप बीवी बहन भाई बच्चे दुनिया की कोई चीज़ भी मेरी मोहब्बत में हाइल ना हो। यहाँ रुक रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पता लग रहा है कि बिल्कुल बेकार है, धोखा है, और चल रहा है, खुद आजमाइशें होती हैं जिंदगी में इंसान के हर रोज, इधर अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, उधर अल्लाह का हुक्म नहीं आ रहा, अल्लाह के हुक्म पर चल पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह दलील अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है उसमें। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जिक्र के लिए ऐलान हुआ, अभी जिक्र हुआ इस मस्जिद में, तो जिक्र पे आपको कौन सी चीज़ लेकर आई है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दलील है इस चीज़ की कि अल्लाह की मोहब्बत जो है। इसी तरह जब काम गलत हो रहा हो तो पहचान जाए ये अल्लाह की मोहब्बत से दूर है, जिस वक्त मैं बिल्कुल मुनाफिक खड़ा हूँ, झूठा खड़ा हूँ, तो ये लम्हात हर वक्त इंसान में आते रहते हैं। मर गया इंसान तो मरने का वक्त भी पता चलता है, एक्सपोज हो जाएंगी चीज़ें सारी। इस वक्त तो हम आगे जिक्र में बैठे, हमें नहीं पता चला अल्लाह की मोहब्बत में है, एक चीज़ सी कुछ एक कैफियत है आदमी की उठा कर ले आई हमें यहाँ, ऐसी होता ना। उस वक्त जब हम चले हमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से हम जा रहे हैं, दिल में इसको कोई इतनी बात नहीं आ रही थी, लेकिन हकीकत में है पोशीदगी इसकी जो छुपी है कि हमने इतना कोई थोड़ा सा अजमत और मोहब्बत वाला काम किया है जिससे इतनी मोहब्बत पैदा हो गई है कि जहाँ अल्लाह का नाम हो रहा है वहाँ पहुँच जाते हैं। दलील है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की मोहब्बत हो रही है, तरक्की हो रही है। तो इस कमी को पूरा करने का तरीका यह है कि वो अजमत और मोहब्बत वाले काम किए जाए जिससे मोहब्बत पैदा हो जाए, और इसके लिए जो ख़ास अल्लाह की मोहब्बत के लिए है अल्लाह ताला कि मोहब्बत पैदा करने का जो काम है अल्लाह ताला अना मा अबदी मा ज़करनी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ रहता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है। अना मा अबदी, मुझे बताएं अल्लाह के बंदे के साथ रहना किस कदर दलील है बड़ी कि अल्लाह से कितनी मोहब्बत हो जाती है इंसान को जिक्र से। महसूस करें ना करें ये सारी चीज़ें जो हैं वो रूहान रूह से ताल्लुक रखती हैं, रूहानी है। जिस वक्त बंदा अल्लाह का जिक्र करता है बहुत करीब होना शुरू हो जाता है, याद करीब होना शुरू हो जाता है, और इसका असल हकीकत जो है इंशाअल्लाह मौत के बाद इंसान को नजर आती है कि एक जिक्र जब करता था तो अल्लाह के कितने करीब था, क्योंकि अहदीस और कुरान तो सच है अना माँ आबदी माँ जिक्रानी, अल्लाह मैं साथ रहता हूँ उस शख्स के जब वो मेरा जिक्र करता है। सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात है। देखो हदीस में ऐसी तरह है कि जिक्र उस पाक जात का जब बंदा करता है, जिक्र जब उस पाक जात का बंदा जिक्र करता है तो उस पाक जात से उसको मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है, और बढ़ते 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 उस ज़ात की मैयत नसीब हो जाती है, ग़ुर्ब नहीं मैयत नसीब हो जाती है। जब अल्लाह का जिक्र आदम करता है तो करते 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 अल्लाह की मैयत नसीब हो जाती है, तो बतदरीज इंसान का होता रहता है काम, जिक्र को ना छोड़े, गुनाह भी हो जाए, खता हो जाए, कमजोरी आ रही है, कोई सुखावट आ रही है, तरीका एक ही है कि बस जिक्र को जो है इंसान जितनी कसरत से जिक्र करेंगे अल्लाह के करीब होता चला जाएगा। सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का दावा फरमाया जिक्र, इसीलिए आप ये देखेंगे जितने भी औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन है अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह के जिक्र की नस्बत से वो लोग करीब हैं अल्लाह ताला के, जिक्र को कभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तमाम चीज़ें हासिल करने के बाद आखिर में जो चीज़ ली अल्लाह के जिक्र को लिया, अब फिर उससे उनकी मंजिलें तय होना शुरू हो गई अल्लाह की फजल से। तो पहली चीज़ तो यह है कि बेइंतहा अल्लाह के इस अमल पर, इस नेमत पर इज़हार शुक्र किया करें कि अल्लाह ने हमें जिक्र के समझ और तौफीक और मोहब्बत नसीब फरमाई है, और ये अल्लाह की मोहब्बत का दरवाज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिक्र करने वाला हमेशा याद रखें इस दुनिया से महरूम कभी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह के फजल करम से रमज़ान में कसरत से जिक्र करें, चलते फिरते कल भी जिक्र जो है उसको जारी रखें हर वक्त दिल को अपने, क्योंकि रमज़ान में ये तो हुक्म नहीं ना काम छोड़ दें आप, कारोबार छोड़ दें, दुकान छोड़ दें। हाँ ये है मामूलात को ज़रा ऐसा बना लें, दुनियावी मामूलात कम हो जाएं और आखिरत के मामूलात ज़्यादा हो जाएं, लेकिन मना तो नहीं है कि भाई आप ये जो चीज़ आदमी कैसे छोड़ते हैं, नौकरी छोड़ दें, दुकान छोड़ दें, कारोबार छोड़ दें। तो इसके लिए यही है कि अल्लाह ने जिक्र जो दिया है बड़ी अजीम चीज़ है, चलते फिरते उठते हर वक्त कल की तरफ दिल की तरफ अल्लाह 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 वजू ना हो बस। हर इबादत से इंसान थक जाता है, कुरान पढ़ते भी थक जाएंगे आप, सजदे करते भी थक जाएंगे, लेकिन जिक्र करते करते थकेंगे नहीं, ताज़ा होना शुरू हो जाता है अल्लाह ऐसे बाहर रखिए जिक्र। तो ये बड़ी चीज़ है, उसके साथ साथ गुनाहों से बचें। बड़ी चीज़ यह है कि इंसान है, गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, गुनाह जो हम कर रहे हैं ज़ाहिरी और बातिनी दोनों गुनाह, रमज़ान में उनको छोड़ने की कोशिश की जाए, पूरी नबी करीम की सुन्नत पर पूरा अमल किया जाए, और इस चीज़ को पूरा जहन नशीन कर लें और समझ लें अच्छी तरीके से कि अल्लाह ताला का ये असूल और कानून बन गया है कि जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे अल्लाह की मोहब्बत नसीब नहीं होगी, याद रखें। तो इस कमी को पूरा करें, जिस अंदाज की सुन्नत है उसको ऐसे अंदाज करें, जो वाजिब है उसको वाजिब पे दर्जे पर लाएं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते सुन्नत को, गुनाह हो जाएगा। जो मुस्तहिब है उसको मुस्तहिब पे तौर पर रखें, जिस दर्जे पर नबी करीम की सुन्नत मुबारक है उसको उसी तरीके रखें, लेकिन तारीख सुन्नत जो होगा खसूसन जो वाजिब सुन्नत को तर्क करता है वो सख्त गुनहगार है, और वो रमज़ान भी गुनाहों की हैसियत से गुजार रहा है, एक मुजरिम की हैसियत से गुजार रहा है, रोज़ा भी उसका जो है वो एक गुनहगार की हैसियत से है, मुजरिम की हैसियत से, याद रखें। गुनाह के साथ वो सारे अपनी पूरे रमज़ान को ज़ाय कर रहा है, उसकी नूरानी से महरूम हो रहा है। ये वाजिब सुन्नत की बात कर रहा हूँ, तो लाजिम है इंसान पर, जिसके बगैर जो है हमारे इबादात जो हैं वो बिल्कुल बेकार है। तो जानना चाहिए हमें वाजिबात सुन्नत में से कौन सी हैं, उनको पूरा कीजिएगा। किसने धोखा दिया है ये, एक तो पूरा कुरान है, पूरा हदीसें हैं, पूरे उलमा कराम है, तो ये किस चीज़ की बात पे अमल करते हैं कि नबी वाजिब को छोड़ दें, वाजिब सुन्नत को तर्क करते हैं, ये सोचने वाली बात है ना। आखिर किस कोई दलील तो देना आदमी कि मैं ये गुनाह इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये गुनाह इसलिए कर रहा हूँ इस, और मैं परवाह नहीं करता है बेशक मेरी नमाज ख़राब हो, मेरा रोज़ा ख़राब हो, मेरा रमज़ान ख़राब हो, मेरा जो इबादत जो अल्लाह ने इतना बेहतरीन मुझे महीना दिया है ये भी ख़राब हो, मैं इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके पर अमल नहीं करूँगा, कोई दलील है? सोचना कितनी बड़ी हिमाकत है, और कितना बड़ा वो शैतान के जंगल में जाल के अंदर है वो शख्स, कितना उस सख्ती से जहन्नुम की तरफ ले गया कि तू इस रमज़ान से भी महरूम रहेगा, इस वजह से रख ले जितने रोज़े रख सकते हैं, पढ़ ले कुरान जितने पढ़ना है, कर ले जितनी इबादत तूने करनी है,
लेकिन तू एक नबी पाक कैसे फेल को छोड़ रहा है, ऐसे चीज को तर्क कर रहा है, इसकी वजह से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अजीब बात नहीं सोचना। तो इससे इतने सख्त दिल को अल्लाह चाहे, अल्लाह पाक उसको नरम कर दे, अपना फजल फरमाए, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला ये वाजिब है तेरे हबीब की सुन्नत, तो मैं कैसे छोड़ रहा हूँ, मेरा तो रोज़ा भी ख़त्म हो रहा है, ये तो भूख है, प्यास है और कुछ भी नहीं है, कुरान भी मुझ पर लानत ने भेजा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़, लेकिन मुझे पता भी लेकिन मैं क्यों करता हूँ कि मैं इतने बड़े फेल को तर्क कर रहा हूँ, आखिर क्या वजह है, सब रिस्क ले रहा हूँ पूरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर। इसका बहुत बड़ा एहसास करें, वाजिब सुन्नत जो है उसको मुकम्मल करें, अपने आप को सही करें, आते बेहतर है, अच्छी तरीके से रमज़ान गुजारें। ये रमज़ान साल में आता है एक दफ़ा, कल का रोज़ा गया हो गया, आज का रोज़ा जा रहा है जा रहा है, कल का रोज़ा हमने ज़ाया कर दिया गुनाहों के साथ, आज का रोज़ा भी हमने गुनाह उसका ज़ाया कर दिया, आज भी तौबा कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसे करीम है, गफूर हैं कि पिछले दो रोज़े भी दे देंगे, वो ही मिल जाएंगे। आज भी हम तौबा कर लें, इस वक्त की है अल्लाह से गलती हुई है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाजिब सुन्नत को, सुन्नत की कस्में है ना, वाजिब मुस्तहब सुन्नत, ऐसी सुन्नत है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिम नहीं कहा, वो भी अफसल है, करनी चाहिए, इस पर सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वाजिब है वो तो वाजिब है, शर्त है, वो तो शर्त है, उसको आप कैसे छोड़ सकते। तो भाई तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह ताला मैं इस अमल को जो इतना जिसने मेरी सारी ज़िंदगी को तबाह किया है, मैं आज तौबा करता हूँ, और अल्लाह के फजल से उस पर मुकम्मल अमल करके फिर रमज़ान के मज़े लें, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रहमतों को लूटें, उसके इनामात को लूटें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।